हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F5 एरर कोड के बारे में। ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F5 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और क्या सॉल्यूशन है, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F5 एरर कोड के बारे में। ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F5 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मेरे पॉइंटों को आपको फॉलो करना है और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये इंडोर यूनिट से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है। तो आपको इंडोर यूनिट को नहीं खोलना है, आपको डायरेक्टली आउटडोर यूनिट पर जाना है और आउटडोर यूनिट पर जाने से पहले सप्लाई को ऑफ कर दें। सप्लाई को ऑफ करने के बाद अब आप आउटडोर यूनिट पर जाएं और आउटडोर यूनिट को पूरा खोल दें। अब आउटडोर यूनिट को पूरा खोलने के बाद में अब आपको इसमें क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ इसमें जो हमारा डिस्चार्ज लाइन होती है, जो कंप्रेसर से जो हमारी लाइन जाती है ना, डिस्चार्ज लाइन, जो पतला वाला पाइप होता है, उस पर हमारा एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है, सिर्फ आपको उसको चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं आपको सबसे पहले क्या चेक करना है। सबसे पहले आप उसकी वायर को चेक करें, उसकी वायर कहीं से जल तो नहीं गई है, कट तो नहीं गई, किसी भी रीजन से अगर वायर कट गई है या फिर जल गई है तो उस रीजन से ही हमें F5 एरर कोड देखने को मिल रहा है। बट गाइस, अगर वायर ऑलरेडी ठीक है तो आप एक बार ये चेक करें PCB कार्ड में उसका जैक ठीक तरीके से लगा हुआ है या फिर नहीं है। हो सकता है आउटडोर वाइब्रेट होने के रीजन से उसका जैक थोड़ा लूज हो गया हो या फिर उसकी वायर लूज हो गई है, तो वो आपको ठीक करनी पड़ सकती है। बट गाइस, इतना करने के बाद भी अगर आपका F5 एरर कोड देखने को मिल रहा है ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, तो फिर आपका सेंसर फॉल्टी हो चुका है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्चार्ज लाइन पर जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है सिर्फ उसको चेंज करने की जरूरत है। आप उस सेंसर को चेंज कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। गाइस, अगर आपके पास सेंसर अवेलेबल है तो आप उसी टाइम वहां चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर आप मार्केट जाएं, मार्केट से सेंसर लेके आएं और उसको चेंज कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।